और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुआ हमला, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समर्थक अनस पठान पर हमला, हथियारों से लैस होकर दफ्तर में घुसे थे बदमाश। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ हादसा, तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर हथियारों से लैस होकर जो बदमाश है वह कांग्रेस कार्यालय में घुसे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला किया है। तस्वीरें देखिए आप, ये कांग्रेस के पीसीसी कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अगर बात की जाए तो पीसीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसी शर्मा समर्थक पर हमला किया गया है, बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, पीसी शर्मा के समर्थक हैं, कांग्रेस के नेता है अनस पठान, उन पर ये हमला हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने ये हमला करवाया है। कुल मिलाकर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो उन पर हमला हुआ है, उनके सिर में चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि डंडे से उनके सिर पर चोट की गई। ये जो घटना उस समय हुई जब पवन खेड़ा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रहे थे और उस दौरान ये घटना सामने आई, और जिसके बाद अनस पठान को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनको रेड क्रॉस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी एक जांच का मामला है, पुलिस जांच का मामला है, और पुलिस इसकी जांच करेगी कि आखिर वो हमलावर कौन थे जिन्होंने ये हमला अनस पठान पर किया है। जी लेकिन दिनेश, एक बड़ा सवाल यह है कि इतनी भीड़, भारी भड़कम भीड़ थी, मीडिया कर्मी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और अज्ञात जो बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ हमला कर यहां पर जानलेवा हमला कर फरार हो जाते हैं, आखिर क्या वहां पर सीसीटीवी लगे, क्या कुछ अभी आरोपियों की बदमाशों की पहचान हो पाई है? हमला प्रेस कांग्रेस कार्यालय में घुस के किया गया। वो दौड़ते अनस पठान जो है वो दौड़ते हुए कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे, जहां पर डंडों से उनके ऊपर हमला किया गया। सिर में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनके सिर में से खून टपकता हुआ नजर आ रहा है, और ये घटना हुई, बदमाशों ने ये घटना को अंजाम दिया है। और वहीं कांग्रेस जो है इसको बीजेपी के लोगों से जोड़, कार्यकर्ताओं से या लोगों से जोड़ते हुए कह रही है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पुलिस जांच का विषय है कि ये जो अज्ञात तत्व थे जिन्होंने ये हमला अनस पठान पे किया वो कौन थे, इसका पता पुलिस ही लगा पाएगी। चलिए दिनेश, आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बना रखिएगा, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।